हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटेंट। आज भैया अगली वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। आज सिक्स नंबर की वीडियो है हमारे अकाउंटिंग अड्डा की, यानी अकाउंट अड्डा की। आज अगला आगे कंटिन्यू करेंगे अपना पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है भाई, पहले दूसरा चैप्टर किया था, आज पहला चैप्टर कर रहे हैं। देखो मैं वैसे तो हमेशा बोलता हूँ कि भैया क्लास इलेवेंथ ध्यान रखना, ये क्लास इलेवन के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ साथ अगर आप कॉमर्स में आए हैं या कॉमर्स की बेसिक जानकारी आप लोगों के पास थोड़ी सी कमी है, देखो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक छूट जाता है, मेरा बहुत छूटा है, अब जाके मैंने उसको कवर अप किया है। तो अगर कुछ कमी है या फ्यूचर में भी अगर आप बीकॉम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो बहुत काम की है। ये मतलब ये सारी वीडियो जो हम कर रहे हैं इलेवंथ क्लास की वो आपके बड़े काम की है, ठीक है। तो भाई कल हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, साथ साथ अकाउंटिंग की ब्रांचेस पढ़ी थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। आज बात करेंगे आपकी किताब के बारे में। किताब के बारे में मतलब किताब का जो नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो आज बुक कीपिंग के बारे में बताऊंगा। देखो नाम बड़ा आसान है, बुक किताब, कीपिंग रखना, तो किताब के अंदर रखना, इसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। सही में यही मतलब है इसका। बुक कीपिंग इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बींग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन है एंड इवेंट इन द बुक ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स की किताब में जैसा मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन दिया था, नहीं देखा तो पुरानी वीडियो देखिए, तो वीडियो नंबर 5 है। तो भाई अकाउंट्स की किताब में या एक किताब के अंदर अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लिख के रखना वो आपका बुक कीपिंग कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। कल अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की डेफिनेशन में 4-5 चीजें देखी थी। कौन कौन सी देखी थी? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन, 7 चीजें देखी थी। उनमें से 4 चीजें आपकी बुककीपिंग में आती है। आइडेंटिफाई, पता करो पैसे वाला है या नहीं है, मतलब ट्रांजेक्शन मनी रिलेटेड है या नहीं है। मेजरिंग, अगर मनी रिलेटेड है तो उसको कितने पैसे का ट्रांजेक्शन है वो देखो। रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड कीजिए किताबों में, बेसिक किताब में रिकॉर्ड करा। एंड क्लासिफाइंग, यानी क्लास इलेवेंथ वाले उधर, क्लास ट्वेल्थ वाले उधर, क्लास नाइन्थ वाले इधर, क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्टिकुलर नेचर, भले वो कैश हो सकता है या परचेज हो सकता है या सेल हो सकता है या मशीन हो सकता है, जिसको हम लेजर पोस्टिंग भी कहते हैं, लेजर पोस्टिंग भी कहते हैं। आप आगे पढ़ेंगे अपन लेजर पोस्टिंग क्या होती है, डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अभी जो जब टॉपिक छुड़वाता हूं वो सारे टॉपिक आगे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा काम देखो ये है, समझना पहले मेरी बात को सुनो, थोड़ी सी बात को सुनना। मैंने पहले भी पहली वीडियो जो मैंने करी थी उसमें बताया था आप लोगों को कि भाई आपकी जो किताबें हैं उसमें एक छोटा सा मुझे कहीं लूपहोल लगा। वो लूप होल क्या था कि आपको भाई सेकंड चैप्टर में बताया है बैलेंस शीट क्या है और पहले चैप्टर में बैलेंस शीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दे दिए, तो भाई वो थोड़ा सा मुझे लूप होल लगा। हाँ वो ये रीजन हो सकता है कि भाई अकाउंट्स की स्टार्टिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा मुश्किल मतलब किसी को समझाना अकाउंट्स के बारे में वो काफी मुश्किल होता है, तो इसलिए चैप्टर का कैटेगराइजेशन करते टाइम हो सकता है थोड़ा सा जो बेस्ट लगा वो किया, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा लूप होल था। तो मैंने आपको इसलिए मैं कहता हूं कि भैया जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए, जो जो टॉपिक मैं बात के लिए छोड़ रहा हूं वो बाद में इंपॉर्टेंस देता है, अभी मैं समझाने बैठ गया चैप्टर आगे रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बुक कीपिंग का मतलब तो किताब में रिकॉर्ड है। एक दो चीजों की बात और कर लेते हैं। अकाउंटेंसी, आपकी जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, एक पूरी जानकारी देना, एक सिस्टमैटिक नॉलेज किस चीज की, अकाउंटिंग का मतलब किताब को रिकॉर्ड करने से लेकर उसका एक आउटपुट निकाल लेता है। पिछली वीडियो नंबर 5 अकाउंट सेंटर क्लास 11 वो जरूर देखें, ऊपर लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की प्रॉपर नॉलेज देता है। इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई अकाउंट में या अकाउंटिंग में किस चीज को किस तरीके से डील करना है, कैश के ट्रांजेक्शन को कैसे डील करना है, उधार के को कैसे डील करना है, परचेज को कैसे डील करना है, सेल को कैसे डील करना है। इट एजुकेट हाउ टू मेंटेन द बुक ऑफ
अकाउंट, ये हमें एजुकेट करते हैं किस तरीके से आपको बुक ऑफ अकाउंट बनानी है एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टू इट्स यूजर, यानी किस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन लोगे, किस तरीके से उसको अपनी किताब में लिखोगे, किस तरीके से आप उसको क्लासिफाई करोगे, समराइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे और अपने यूजर तक आगे पहुंचाओगे। ये पढ़ने का काम आपका अकाउंटेंसी में किया जाता है, जो आपका सब्जेक्ट है क्लास 11 अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है? एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें आपको अकाउंटिंग की सारी चीजें समझाई गई। बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, किसके ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग का मतलब ट्रांजेक्शन देखना पैसे वाला है या नहीं है, पैसे वाला है तो उसको रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करो, एक एक हर हेड के नीचे समराइज करो, इंटरप्रेट करो और आगे कम्युनिकेट करो, ये आपका है। तो बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि भाई ये वाला जो चैप्टर है आपका 3 वीडियो तक मिलूंगा, इस चैप्टर में आपको पेन रखकर पढ़ना है, पेन रखना मतलब पेन छोड़ के पढ़ना है, पेन से लिखते लिखते ना पढ़ो तो भी चलेगा, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है जो आगे आपको काम आएगी। हाँ भाई, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एंड रिजल्ट, क्यों की जा रही है अकाउंटिंग, क्यों जरूरी है, क्या अकाउंटिंग करने से क्या होगा। ऑब्जेक्टिव मतलब द एंड रिजल्ट ऑफ आउट, क्या सोचकर अकाउंटिंग की जा रही है, क्यों की जाती है। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ताकि अकाउंट के रिकॉर्ड मेरे पास हो, सारी ट्रांजेक्शन लिखे हों, सब कैटेगराइज हों। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जैसा कि आपको पढ़ाया था मैंने कल पिछली बार भी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड किया जाता है इन सब चीजों की मदद से। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजिशन, साथ साथ एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैंने बताया था दो होते हैं, एक पीएनएल और एक बैलेंस शीट। तो भैया पीएनएल से प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है और फाइनेंशियल पोजिशन बताने के लिए आपकी बैलेंस शीट होती है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, और क्यों करते हैं भाई, मैनेजमेंट को बड़ी आसानी होती है, क्यों आसानी होती है। अकाउंटिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, मनी रिलेटेड सब चीजें प्रोवाइड कराती है मैनेजमेंट को। टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन, ताकि मैनेजमेंट अपना काम और बेहतर तरीके से कर सके। जब उसको सारी चीजें लिखी भी मिल गई, प्रॉपर एंड रिजल्ट सब कुछ मिल गया, तो वो अपने काम में ध्यान लगा पाएगा और ढंग से एक एफिशिएंट तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, हमने पढ़ा था कि भाई अकाउंटिंग का जो लास्ट मैंने पढ़ाया था कम्युनिकेटिंग, भाई ये वाली वीडियो पुराने वाले से बिल्कुल कनेक्टेड है। आज की वीडियो बड़ी छोटी सी है, 5-7-10 मिनट की वीडियो क्लास होगा, मैं उसके ऊपर नहीं होगी, मुझे भी नहीं लगता होगी, क्योंकि भाई ये जरूरी नहीं है, आएगा नहीं आपके, पर समझना इसको बस एक बार आपके माइंड से, बस कहते ना यहां से गया, सामने से निकल गया, ताकि आपके माइंड में हाँ कि भैया निकला तो था, ठीक है। तो भाई प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर, हमने पढ़ा है कि अल्टीमेटली अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनाने के बाद यूजर्स को कम्युनिकेट कर दी जाती है, इंटरनल यूजर या एक्सटर्नल यूजर को, कंपनी के अंदर वाले लोगों को या बाहर वाले लोगों को कम्युनिकेट कर दी जाती है, ठीक है। तो इनको इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी, जब अकाउंटिंग पूरी तरीके से की जाएगी। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, किस तरीके से देखिए, जब आपने सब चीजें लिख रखी है तो आपको पता है कि आपके एसेट्स कितने हैं, एसेट्स मतलब जो फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे, आपको पता है आपके एसेट्स कितने हैं और उन एसेट्स का कहां क्या यूज किया जा रहा है, तो उससे आप उस एसेट्स के अच्छे से ध्यान भी रख सकते हैं, साथ साथ उसका डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स विच इनेबल द फर्म टू प्रोटेक्ट देम एंड एक्साइज कंट्रोल, आप उन पर अपना कंट्रोल अच्छे से रख सकते हैं और उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीज कहां जा रही है और कहां से आ रही है। तो भाई ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, अब बात करते हैं काम क्या करता है। ऑब्जेक्टिव मतलब देखो सीधी सी बात है, क्यों किए जा रहे हैं, ये आपके काम में भी आ जाए, क्यों किए जा रहे हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो फंक्शन में आ जाएगा कि भैया ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं। क्यों किए जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, बैलेंस शीट निकालने के लिए, तो काम में क्या आ जाएगा कि भैया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भैया इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, और जैसे इसमें है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट और प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर, कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो इसका फंक्शन यानी काम क्या हो जाएगा कि भैया इन्फॉर्मेशन देता है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करें, इसका ऑब्जेक्टिव है, तो काम क्या है कि मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करें, यानी असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। तो ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव और फंक्शन हर चीज के रिलेटेड होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्यों किया जा रहा है और फंक्शन मतलब क्या कर रहा है, तो भैया इसलिए किया जा रहा है और वो कर भी यही रहा है। क्या मैंने ये नल क्यों खोल रखा है, ताकि पानी टंकी में भर जाए, और काम क्या है पानी का, या काम क्या है नल खोलने का, कि भाई पानी भर रहा है, दोनों एक ही चीज होगी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है वो आपका ये है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कि इंसर्ट है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करता है। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था, एक कंपनी ने बोल दिया 2 करोड़ का मुझे प्रॉफिट हुआ, अगर उसके पास प्रॉपर एविडेंस है, हर चीज प्रॉपर है, अकाउंटिंग ढंग से की हुई है, तो उसकी बात मान ली जाएगी, लीगली वो सही है, टैक्स जितना भरना है उसने लीगली भर दिया, सब काम हो गया। अगर अकाउंटिंग की नहीं जाती तो उसकी बात कोई मानता ही नहीं, क्योंकि उसके पास किसी तरीके का कोई सबूत नहीं है। आपने सिंघम पिक्चर देखी है, सबूत नहीं तो हर गुनहगार वफादार, सबूत नहीं तो हम ऐसा कुछ था ना यार। चलो तो भाई, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्टेड एज एन एविडेंस बाय कोर्ट, यानी कि आपके जो अकाउंट बनाते हैं आप, तो वो कोर्ट हो या लॉ हो वो इजीली एक्सेप्ट करती है, अगर आपने सारे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फॉलो की है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कौन से होते हैं, तीसरे नंबर का चैप्टर है, छोड़ूंगा नहीं, लेके आऊंगा आपके लिए, आ जाओ। तो भैया ये तो हो गए इसके फंक्शन। लास्ट छोटी सी चीज देख लेते हैं, फायदे और नुकसान, कि भैया अकाउंटिंग करने से फायदा क्या होता है। सब चीजें प्रॉपर आपने क्लियर रखी है, क्लासिफाई कर रखी है, प्रॉफिट भी आ रखा है, लॉस भी आ रखा है, आपके एसेट्स के बारे में भी पता है, तो आपको फायदा क्या होगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, आपको बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के काम में उसको आसानी होगी। रिप्लेसेस मेमोरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो बताता हूं, ये है रिप्लेसेस मेमोरी, मेमोरी को रिप्लेस करता है। मेमोरी को रिप्लेस करने का मतलब, एक आदमी कितना ध्यान रख सकता है, 2000 ट्रांजेक्शन अगर हुए हैं, जिनमें से एक राम से, एक श्याम से, एक मोहन से, एक सोहन से, एक राज से, एक वीर से, एक हीरा से, एक मोती से, एक रेशमा से, वापिस नाम बोलो सारे के साथ, आपके मैं भी नहीं बोल सकता। तो भैया मेमोरी में ये सब ध्यान रखना बड़ा दिमाग, इट्स इम्पॉसिबल। तो उस चीज के लिए हमने अकाउंटिंग बना दी, कि सब चीजों को लिख लिया, ताकि अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, हीरा रेशमा मोना तो मोना टिन्नी तीनों जो भी है, जो भी मैंने अभी नाम बोले, उन सबको भूल जाओ, क्योंकि आपकी किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है। तो रिप्लेसेस मेमोरी। और देखिए फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, आप कंपैरिजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये आगे पढ़ेंगे, 2 तरीके कंपैरिजन होते हैं, इंटर फॉर्म और इंट्रा फॉर्म, वो 12th क्लास में है, अभी भी होंगे तो मैं करा दूंगा। तो भाई फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी मतलब, पिछले साल 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस साल 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, अगले साल 2.5 करोड़ का बनता है मेरा, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल एसेट्स इतने हैं, लाइबिलिटी इतनी है, कैपिटल इतनी है, प्रॉफिट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मैं नया प्लान ला रहा हूं। ये क्या करता है, पिछले साल से इस साल को कंपेयर करने का काम करेगा। ठीक है, 2 अलग अलग एयरटेल और जियो की बैलेंस शीट कंपेयर करना है, किसके एसेट ज्यादा है, किसकी लाइबिलिटी कम है, किसके पास ज्यादा कैपिटल है, किसका कम प्रॉफिट हुआ है, ये सारी चीजें कंपेयर करना। फैसिलिटेट लोन, अगर आप लोन लेना चाहते हैं कहीं से, तो आपको लोन तब मिलेगा जब आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर बनी हुई होगी, साथ साथ आपका प्रॉफिट भी अच्छा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो कोई बैंक आपको लोन दे देगा। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन लेने में फायदा होता है, भैया जितना प्रॉफिट दिख रहा है आपको, आपके पास बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें पेपर पे लिखी हुई है, आप उन चीजों को देखकर आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं। एविडेंस इन कोर्ट, जैसा कि यहां बताया था कि भैया सरकार या कानून या लॉ एविडेंस को मानता है, अकाउंटिंग अगर आपने प्रॉपर की है तो वो आपका एक एविडेंस की तरह काम करेगा। भाई कितना अच्छी चीज है ना अकाउंटिंग, अच्छी तो है, पर इसको बिगाड़ने वाले भी बैठे हुए हैं, लिमिटेशन की बात करते हैं या डिसएडवांटेजेस की। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती, चलो एक ब्रीफ में बता देता हूं। हम क्या करते हैं, जैसा आपने डेप्रिसिएशन, मैंने आपको बताया था हमारे 4th नंबर की वीडियो में बताया डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो जिस तरीके से आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा था कि भाई एसेट्स की कमी आ जाना, तो भाई 1 लाख का एसेट है, 1 साल यूज करने के बाद उसकी कीमत में 10,000 रुपए कमी आ गई, अब उसकी कीमत कितनी है, 90,000। क्या वो मार्केट वैल्यू है, नहीं,
वो तो मेरे हिसाब से कि भाई मेरे हिसाब से 90,000 रुपए की कीमत रह गई है। डेप्रिसिएशन हर साल बिजनेस जो होती है हर साल अपने एसेट्स को कुछ ना कुछ 10% 5% डेप्रिसिएट करती रहती है, कम करके उसकी वैल्यू दिखाती रहती है, क्योंकि उनको पता है एक साल यूज कर लिया तो अब उसकी कीमत पहले से कम होगी। पर ये मार्केट वैल्यू हो ये जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे इसकी कीमत या मेरे मोबाइल की कीमत 12,000 रुपए है, पर क्या मार्केट में उसकी एग्जैक्ट कीमत 12,000 रुपए है? नहीं है। हो सकता है 15 हो या हो सकता है 4 हो। तो भाई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ रिजर्व बनाए हुए हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट डिडक्शन नहीं होता या एग्जैक्ट डिडक्शन वो नहीं करते। अगला आता है इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें क्वालिटेटिव एलिमेंट इग्नोर कर दिए जाते हैं। आपने अकाउंट में पढ़ा है कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड, बल्कि क्वालिटी बेसिस आपकी लेबर क्वालिटी कैसी है, आपकी लेबर सेटिस्फाइड है या नहीं है, आपके वर्कर सेटिस्फाइड है या नहीं, आपके मैनेजमेंट अच्छे से वो मेंटली फिजिकली सेटिस्फाइड है या नहीं है, या उनका रिस्पॉन्स कैसा, इस बारे में अकाउंटिंग में कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से लिया है। तो भैया ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अब भाई महंगाई के इफेक्ट को ये कभी काउंट नहीं करता, कर ही नहीं सकता। प्रॉफिट आज 1.5 करोड़ हुआ इस साल, अगले साल भी 1.5 करोड़ हुआ, आपने बोला बराबर प्रॉफिट है, पर महंगाई पिछले साल से इस साल के बीच में 10% इंक्रीज हो गई, तो आप प्रॉफिट में नहीं हो, आप नुकसान में हो। पहले के मुकाबले आप पिछले साल 1.5 करोड़ का प्रॉफिट 1.5 करोड़ का था, इस साल का 1.5 करोड़ का प्रॉफिट 1.5 करोड़ का नहीं है, क्योंकि पिछले साल से इस साल महंगाई 10% बढ़ गई है, तो आपका प्रॉफिट भी कम से कम 10% तो बढ़ना चाहिए था, तब जाके आप बराबरी पाते। मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। इस चीज को पेन उठा के कॉपी में वापस लिख लें, विंडो ड्रेसिंग भी हो सकता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? खिड़की सिल देना। कम ऑन, खिड़की सिल देना, विंडो की ड्रेसिंग कर देना, ये मेरा खुद का है, एग्जैक्ट क्या है मुझे भी नहीं पता भाई, विंडो ड्रेसिंग का मतलब यही है, खिड़की सिल देना। इस तरीके से खिड़की बंद करके सिल दी, यहां तो कोई खिड़की थी नहीं, उसी तरीके से मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स ऑफ एन बिजनेस या ऑफ एन एंटरप्राइज सो दैट इट विल लुक मच मोर बेटर देन रियल। अब भाई क्या होता है, कुछ कंपनियां अपने अकाउंट को अच्छा दिखाने के लिए मैनिपुलेट कर देती है, छेड़छाड़ करती है अकाउंट्स में टैक्स बचाने के लिए, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, अपनी मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, स्टॉक मार्केट का अच्छा रिएक्शन लेने के लिए, वो मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करने के लिए विंडो ड्रेसिंग करती है, यानी मैनिपुलेटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैनिपुलेटिंग मतलब छेड़छाड़ करना बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो भाई अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग का फेल हो सकता है, आप लोग कभी सीए के पास गए हो? ठीक है, मैं खुद की पर्सनली बात नहीं करूंगा भाई। तो आप एक फादर के साथ जाना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जैसे जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं ना, जो सारा रिकॉर्ड नहीं रखते, सारा ट्रांजेक्शन नहीं रखते, ठीक है, जो प्राइवेटली अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, उनकी बात बताता हूँ, ठीक है, जो देखो एग्जैक्ट चीज बताऊंगा मैं यहाँ पे, वो करते हैं कभी कभी, या उनके सीए है वो भी ऐसा कोशिश करते हैं, उनको देखो उनके पास कोई रिकॉर्ड तो होता नहीं, तो अगर उनके पास उनकी बुक्स में भाई 10 लाख का प्रॉफिट है, वो चाह के भी ये नहीं बता पाते कि भाई मैंने 8 लाख खर्च हो गए, तब उस 8 लाख को खर्चा दिखाने के लिए फिर सीए कुछ ना कुछ खर्चा दिखाता है, किस तरीके से दिखाता है, तो वो इट कैन बी ट्रीटेड एज विंडो ड्रेसिंग। जो अगर करा है कि भाई छेड़छाड़ करके टैक्स कम करा है, तो वो विंडो ड्रेसिंग के बाद, सबकी बात नहीं कर रहा है, जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो चढ़ना मत करो ऐसे ऐसे बोल दिया, बात बता रहा हूं जनरल, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको चीज का बता रहा हूं कि भाई टैक्स लाइबिलिटी कम करने के लिए अगर अकाउंट में छेड़छाड़ की गई, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस दिखा दिए गए ताकि टैक्स कम हो जाए, प्रॉफिट मिनिमाइज दिखाया जाए, भाई हमारे को तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ या प्रॉफिट कम हुआ है, तो बुक्स में प्रॉफिट कम दिखाया जाए, तो ये अलग चीज होती है, उसको हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो भाई विंडो ड्रेसिंग का केस हो सकता है आपके अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी, एक वीडियो और रही है इसी से रिलेटेड, थ्योरेटिकल वीडियो है, वो खत्म करेंगे, फिर प्रिंसिपल्स पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके आपके पेपर में भी आता है और जिनको समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल पार्ट आएंगे हमारे अकाउंट्स के। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी, टिल द गाइस कीप ऑन वॉचिंग।